हाई एवरी वन दिस इज नेहाई वेलकम यू ऑल टू माई क्लास जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अब ये टॉपिक सी टेट का तो टॉपिक है ही इसके अलावा बीएड और एजुकेशन की फील्ड में जितने भी डिफरेंट एग्जामिनेशन होते हैं लाइक एनवीएस एंड अदर मेनी उसमें भी ये यूजफुल है तो आज इंडिविजुअल डिफरेंसेज को समझेंगे और इस पर बेस्ड एमसीक्यूज भी मैं साथ साथ आपको समझाती चलूंगी कि कैसे किस टॉपिक से एम सी प्रोड्यूस होते हैं सो लेट मी क्विकली बिगिन विद द टॉपिक विच इज इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन ह्यूमन बींग और ये एक बहुत ही इजी येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको आज के वीडियो में समझना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर हम किसी भी दो ह्यूमन बीइंग को कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं इंडिविजुअली दे आर वेरी यूनिक बट दे हैव अलॉट ऑफ डिफरेंसेस विद ईच अदर और वो डिफरेंसेस बहुत सारे बेसिस पर हो सकते हैं जैसे कि सबसे पहला डिफरेंस हो जाता है उनको जब हम देखते हैं तो उनके जेंडर का डिफरेंस हो सकता है हम किसी गर्ल को गर्ल से कंपेयर करें बॉय को बॉय से कंपेयर करें या फिर गर्ल और बॉय को कंपेयर करें तो जेंडर कैन बी अ बेस जिसके बेसिस पर वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इसके अलावा अगर हम सिमिलर जेंडर को कंपेयर करें तो दे आर डिफरेंट ऑन देअर लुक्स लुक्स में भी स्पेसिफिकली चले जाएं तो उनकी आईज उनका स्ट्रक्चर उनकी स्माइल उनका फेस बॉडी शेप Weight, a lot of will be there. Features, जो कि डिफरेंट होंगे एक दूसरे से साइकोलॉजिकल वे में चले जाएं, तो उनका इंटेलिजेंस उनके सोचने समझने का तरीका द पावर ऑफ परसनैलिटी एप्टीट्यूड इंटरेस्ट वैल्यूज एंड लॉट मैनी थिंग्स आर देयर जिनके बेसिस पर वो एक दूसरे से हमें डिफरेंट मिलेंगे तो ये जो डिफरेंसिस हैं कि एक पर्सन कम इंटेलिजेंट है दूसरा पर्सन ज्यादा इंटेलिजेंट है एक पर्सन की पर्सनालिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है वो इंट्रोवर्ट है दूसरा एक्सट्रोवर्ट है यहाँ हम अच्छा या बुरा नहीं कंपेयर कर रहे हैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अच्छा है या बुरा है इट इज अबाउट द वेरिएशन इन वेरिएसनैलिटी इट इज अबाउट द वेरिएशन दे हैव बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेज तो यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि जो दो लोग हैं उनके अंदर हम डिफरेंस देखते हैं कोई भी चीज जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो हमेशा कोई एक चीज ज्यादा ही होती है और दूसरी चीज उसके रेस्पेक्ट में कम हो जाती है तो यही डिफरेंस क्रिएट करती है अगर हम मैथमेटिकल वे में देखें तो डिफरेंस क्या होता है दो चीजों के बीच का गैप राइट right? तो वही चीज हम साइकोलॉजी में भी इंडिविजुअल डिफरेंस की तरह से समझते हैं कि दो लोगों के बीच में जो गैप होता है वही इंडिविजुअल डिफरेंस है जब हम कहते हैं कि एक बच्चे के 90 परसेंट मार्क्स आए हैं और दूसरे के 85 परसेंट आए हैं तो वो 85 परसेंट आपको कम क्यों लग रहा है क्योंकि आप उसको 90 परसेंट से कंपेयर कर रहे हैं वरना ये भी हो सकता है कि कोई तीसरा बच्चा हो जिसके 72 टू परसेंट मार्क्स हो तो 72 परसेंट और 85 फाइव परसेंट का भी तो गैप हो जाएगा तो वहां पर एटी ज्यादा हो जाएगा तो इंडिविजुअल डिफ्रेंसेस यही होते हैं कि हर पर्सन अपने आप में बहुत यूनिक होता है और यूनिक होने के बावजूद वो किसी से ज्यादा या किसी से कम हो सकता है ज्यादा या कम होने के बीच में जो गैप होता है वही गैप कहलाता है इंडिविजुअल डिफरेंस ये टर्म साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि एज अ टीचर जब आप फ्यूचर में टीचर बनेंगे या आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो भी एज अ ह्यूमन बीइंग भी रियल लाइफ में भी आप इस टर्म को जब समझते हैं तो एक्चुअली आप उस तरह से बिहेव कर पाते हैं आप इसको इस तरह से ज्यूम करिए कि, कि क्लास में एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल है और कोई दूसरा बच्चा है और भी बच्चे हैं जो आप इजिली हैंडल कर लेते हैं तो जो बच्चा थोड़ा इमोशनली अनस्टेबल है हमें उसको ज्यादा पैम्पर और केयर करना पड़ता है ज्यादा थोड़ा अच्छे से उसको प्यार से डील करना पड़ता है तो हमारी डीलिंग क्यों हो जाती है ऐसी कि हम उस बच्चे को इतना प्यार से डील करें बिकॉज उसकी वो रिक्वायरमेंट है उसकी वो नीड है एंड दैट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंस वो गैप जो दूसरे बच्चे से कम है आप समझ पा रहे होंगे कि एक बच्चे की जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है दूसरे की इमोशनल स्टेबिलिटी कम है तो हमें उसको क्या बनाना है हमें उसको भी इमोशनल स्टेबल बनाना है 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 तो ये जो गैप है ना, जो यहां से जो गैप 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 ना से आ रहा है, इस गैप को हम पूरा करेंगे तब जब हमें इंडिविजुअल डिफरेंस की समझ होगी अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक बच्चा अगर इमोशनली वीक है और हम उसको और ज्यादा डांट रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन होने लग जाएगी उसका जो ग्राफ है वो नीचे जाने लग जाएगा और एज अ टीचर हमें ऐसा नहीं होने देना है इसीलिए टीचिंग के फील्ड में इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बी में तो ये टॉपिक है ये बुक है पूरी आपको पढ़ना ही पढ़ना है इसको अंडरस्टैंड करना है और जब आप ग्रेजुएशन में इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या पीजी में भी पढ़ते हैं उसके बाद आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना केवल बच्चों को बल्कि आप दुनिया में सभी लोगों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से ट्रीट करने लगते हैं तो साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिफ्रेंसेस कितने टाइप्स के हो सकते हैं जैसे कि अभी मैंने बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम बहुत सारे ग्राउंड्स पर बहुत सारे बेसिस पे देखते हैं तो जितने भी आप ग्राउंड कैलकुलेट कर, कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं बेसिकली वो सब ही इंडिविजुअल डिफरें के टाइप है बहुत सारे हैं बट हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा है पे मार्क करने की जिससे आपको हम समझा सकें कि इंडिविजुअल डिफरेंस के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस सबसे पहले तो आपके फिजिकल अपियरेंसेस के बेसिस पे हो सकते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं फिजिकल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अब फिजिकल का मतलब ये हो गया फिजिकल अपियर हो गया या फिर फिजिकल uh, स्ट्रक्चर हो गया फिजिकली जैसा भी पर्सन है उसमें उसकी हाइट वेट राइट और भी जितने भी जितने फिजिकल फीचर्स होते हैं वो सारे ही इंक्लूड हो जाएंगे तो एक बार में फिजिकल लिख देने का मतलब हो गया कि जितना कुछ भी हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में चीजें होती हैं वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी और लोग उसके बेसिस पर इंडिविजुअली वेरी करेंगे ठीक अब हम फिजिकल से एसोसिएटेड एक दूसरी टर्म है जिसको ले रहे हैं दैट इज मोटर एबिलिटी मोटर एबिलिटी का मतलब होता है कि हर बच्चे की अपनी एक फिजिकल एफिशिएंसी होती है हर बच्चा देखिए आप एक ही उम्र के दो बच्चों को एक वेट उठाने को दीजिए तो एक बच्चा हो सकता है इजीली उठा ले और दूसरा ना उठा पाए दिस इज द पॉसिबिलिटी अगेन तो ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल स्टेमिना द मोटर एबिलिटी विच दे हैव टू परफॉर्म एनी टास्क यही मोटर एबिलिटी होती है जिसकी वजह से बच्चे किसी फिजिकल एक्टिविटी को कोई जल्दी सीख लेता है तो कोई देर से सीखता है सो इंडिविजुअल डिफरेंसेज में बी बेस्ड ऑन द मोटर एबिलिटीज सो डिफरेंट चिल्ड्रन हैव डिफरेंट मोटर एबिलिटीज इनफैक्ट एवरी चाइल्ड हैज एनिक मोटर एबिलिटी फंक्शन तो दिस कैन बी द नेक्स्ट वन अगर हम साइकोलॉजिकल आ जाए तो ये तो बहुत बड़ा फील्ड है फिर भी कोशिश करेंगे जैसे सबसे पहले हम कॉगनेटिव एबिलिटीज की बात करते हैं अभी हमने मोटर एबिलिटी की बात करी तो ये फिजिकल फॉर्म में थी तो कॉगनेटिव एबिलिटीज हमारी क्या होती हैं एबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है अगर मैं भी आपसे पूछू तो बहुत सारी चीजें हैं देखिए अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग थिंकिंग का पैटर्न हर किसी का अलग होता है परसीविंग बात को समझने का पैटर्न अलग होता है इसके अलावा द वे दे डिफरेंशिएट भी हम अपने माइंड से एक्शन परफॉर्म करते हैं हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है एक्शन डिफरेंट एक्शन वो सारी हमारी एबिलिटीज हैं सोचना समझना सुनना परसीविंग रिस्पॉन्डिंग रियक्टिंग एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द कोग्नेटिव एबिलिटीज जिसके बेसिस पर हम कोई जजमेंट करते हैं कोई फंक्शन करते हैं सो कॉग्निटिव एबिलिटीज हो सकती हैं इसी तरीके से इमोशनल एबिलिटीज हो सकती हैं मैनेजिंग इमोशंस इमोशन एबिलिटी इमोशनल आई शुड राइट इमोशनल एबिलिटीज क्या होंगी मैनेजिंग डिफरेंट इमोशंस शोइंग एंगर तो ये भी हमारी एक टाइप हो सकती है इमोशनल एबिलिटीज कि बच्चा जो होता है वो इमोशनल तरीके से भी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है कुछ बच्चे आपको छोटी उम्र में ही बहुत मेच्योर दिखेंगे तो कुछ बड़े होने के बाद भी उनका जो बिहेवियर है डिफरेंट होता है तो इस बेसिस पर भी वो वेरी करते हैं यानी ये भी उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का गैप बनेंगे वही अगेन द पिक्चर आई एम ट्राइंग टू मेक इन योर माइंड इज दैट कि एक बच्चा अगर इस स्केल पर है और दूसरा बच्चा इस स्केल पर है तो ये जो डिफरेंस है ना दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यही वो इंडिविजुअल डिफरेंस है कि ये बच्चा इतने डिफरेंसेस से आगे है और ये बच्चा इतने डिफरेंसेस से पीछे है सो दैट इज हाउ वी से कि दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस अगेन कमिंग टू दिस पार्ट फिजिकल हो गया मोटर हो गया कॉग्निटिव एबिलिटीज हो गई इमोशनल एबिलिटीज भी हो गई इसके अलावा सोशल एबिलिटीज होती हैं बच्चे की सोशली वे में हम एक डिजायर्ड बिहेवियर होता है जो हम चाहते हैं बच्चे से कि वो करे तो हम लिख सकते हैं सोशल एबिलिटीज देखिए ये मैं बहुत ब्रॉड टर्म्स लिख रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इनके अंदर ही बहुत सारी चीजें आ जाएंगी अगर हम सेपरेट लिखें और इनको स्प्लिट कर सकते हैं तो बहुत सारी टर्म्स हमारे पास बन सकती हैं। जस्ट इन केस आप डिस्क्रिप्टिव में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लिख रहे हैं तो आप डेफिनेटली और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं और ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं डिफरेंट सोशल एबिलिटीज होती हैं जो हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं जिसमें मैनर्स हो गए एटिकेट्स हो गए सोशल uh, वे में बिहेव करना पियर्स के बीच में कैसे बिहेव करना टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन ये सारी चीजें आती हैं तो वो सोशल एबिलिटीज uh, भी हो गई एक तो मेन तो जो भी जीस हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं उस हिसाब से हम वैसे ग्रो होते हैं तो जेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि आप एक लड़के को एक लड़की को बराबर नहीं कह सकते पर आप किसी लड़की को या लड़के को कम या ज्यादा भी नहीं कह सकते दे हैव देर ओन एबिलिटीज एंड ऑल दीज थिंग्स

पर्सनैलिटी लिख दिया हमने वैल्यूज हो गया जितना मैं आपको आगे बताती जाऊंगी उतना ही आगे और पॉइंट्स निकल के आते जाएंगे तो दिस द लिस्ट इज नेवर एंडिंग चलिए लिख ही लेते हैं कम से कम टेन पॉइंट तो कर ही लेते हैं बेस्ड ऑन वैल्यूज मॉरल एक्सेट्रा ये सब एक ही बात होती है वैसे तो इस तरीके से अभी आपने देखा हमने टेन पॉइंट बना दिया दिज आर टाइप ऑफ इंडिविजुअल लेकिन अगर अभी आपके भी माइंड में कोई और पॉइंट आ रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस का टाइप क्या होता है देन प्लीज राइट इन द कॉमेंट सो दैट अदर्स विल रीड इट एंड दे में आएगा तो आपका फेलो फ्रेंड जब इन वीडियो को देखेंगे तो दे विल ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड इट तो इस तरीके से हम बहुत सारे टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं अब बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉजेस क्या हो सकते हैं ये सब तो टाइप्स हो गए ग्राउंड हो गए जिनके बेसिस पर हम कंपेयर करते हैं तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हैरिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हम बात करने वाले हैं अब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो बेसिक कॉजेज हैं सो व्हाट आर द काजेस कॉजेज में हम सबसे पहले तो लिख सकते हैं हेरिडिटी हेरिडिटी इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से दो लोग आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं भाई आपने जो जीन्स अपने पेरेंट्स से लिए हैं आप उसके हिसाब से ग्रो होंगे आपकी ग्रोथ आपका डेवलपमेंट वैसे ही होगा तो आप डिफरेंट हो जाएंगे दूसरे से. तो हेरिडिटी की बात होती है किस एनवायरमेंट में बच्चा ग्रो हो रहा है उसका इम्पैक्ट उस पर जरूर आएगा एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे एक ही जैसे एनवायरमेंट मिलने के बावजूद भी एक जैसे नहीं रहते उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं भाई

ये भी ग्राउंड्स हैं और एजुकेशन जिसको जैसी एजुकेशन मिलेगी वैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे राइट right? तो ये भी एक रीजन uh, होता है एज हो गया सेक्स हो गया जेंडर ये सब जो है इसके कॉजेज है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होते हैं अब मैं जो आपको क्वेश्चन समझाने वाली हूँ उनको आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगी और आप मुझे बताइएगा कि जो क्वेश्चन है उनको किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है या आप समझ पाएंगे uh, क्वेश्चन के थ्रू तो स्क्रीन पर देखिए आपके जो क्वेश्चन है द स्टेटमेंट एवरी लर्नर इज यूनिक दैट ऑप्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेवेलप द लर्नर्स पोटेंशियल इन अ हेट्रोजीनियस क्लास लर्नर्स डू नॉट शेयर कॉमन गोल्स मेकिंग अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर इन इज इम्पॉसिबल नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर कैपेबिलिटीज इंटरेस्ट एंड टैलेंट जो हमें स्टेटमेंट दिया गया था दैट वाज एवरी लर्नर इज यूनिक हर बच्चा यूनिक होता है इसमें आपको कौन सा ऑप्शन है जो तो सबसे ज्यादा प्रोप्रिएट लग रहा है द लास्ट ऑप्शन दैट इज नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर कैपेबिलिटीज इंटरेस्ट एंड टैलेंट यही मतलब होता है इस चीज का जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस को दिखाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एट्रीब्यूटेबल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेज इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंडिविजुअल डिफरेंस को कंट्रीब्यूटेड नहीं करता है सोशल स्टेटस एबिलिटीज नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स नन ऑफ देखिए सोशल स्टेटस की वजह से जो सोशल एबिलिटीज की अभी तक हम बात कर रहे थे वो इसमें इंक्लूडेड है राइट right? उसके अलावा कॉग्नेटिव एबिलिटीज तो हमने पढ़ाई है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जनरेट करती हैं आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उसकी आपकी इंडिविजुअलिटी पे फर्क नहीं पड़ता सो ऑप्शन थ्री थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन कि यही है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता बाकी चीजें इंपैक्ट डालती हैं जिसे हमने डिस्कस करी नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएशन इन पर्सनैलिटी अमंग डिफरेंट पीपल आर ड्यू टू वॉट लोगों में जो डिफरेंट वेरिएशन होते हैं वो क्यों होते हैं दे आर डिफरेंट एक्सपीरियंसिस इन लाइफ हर इंसान अब नए नए एक्सपीरियंसिस क्रिएट करता है सो एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो भी वन ऑफ द कॉजेज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सपीरियंस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिफरेंसेस इन देयर हेरिडिटी हेरिडिटी तो एक कॉज होता ही है बोथ वन एंड टू और नीद वन और नॉर टू तो कौन सा करेक्ट होगा ऑब्वियसली बात है दोनों ही ऑप्शन ए भी बोथ आर करेक्ट सो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सरला इज यूज नॉट एबल टू फॉलो द एग्जाम्पल गिवन बाई हर साइंस टीचर टू एक्सप्लेन अ प्रिंसिपल द टीचर टेल्स हर यू डू नॉट इवन अंडरस्टैंड सिंपल थिंग्स द टीचर इज डूइंग वॉट जब टीचर बच्चे से ऐसा कह रही है कि यू डू नॉट इवन अंडरस्टैंड सिंपल थिंग्स तो यहाँ पे क्या चीज क्रिएट हो रही है

आपको ये समझना होगा कि मेरे बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है मुझे उसे कैसे समझाना है राइट right? तो ये इस तरह के का जो स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं आप टीचर यूज कर रही है उससे सरला को वो मोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है और ऐसा कोई डिफ्रेंशिएटेड मैथड भी यूज नहीं कर रही है जिसकी हेल्प से वो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी नहीं समझ रही है सो क्लियरली शी इज ह्यूमिलेटिंग सरला सो अ टीचर डज लाइक दैट अ टीचर शुड नेवर डज लाइक दैट ऑल बट इवन इफ अ टीचर डज लाइक दैट तो दैट मीन्स They do not have an understanding of individual differences. That is why I told you in the initially, uh, in the beginning, that this topic is extremely important, especially for the teachers. Coming to the next question What should be the role of the teacher in reducing the effects of individual differences? teachers teacher have individual different ke effects ko reduce kar The teacher should try to adjust the curriculum as per the individual's need. The teacher should try to understand the abilities, aptitudes, and interests of the students. दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है दोनों में से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है एज यू कैन सी टीचर को बच्चे की नीड के हिसाब से करिकुलम को फ्रेम करना है मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जो मैथ्स का सिंपल सम सॉल्व नहीं कर पाता तो आप उसे कैसे डिवीजन करा देंगे कैसे उसको बॉर्डमर्स का रूल पढ़ा देंगे कैसे उसको फ्रैक्शन पढ़ा देंगे वो फिर सेंस नहीं बनेगा ना आप पढ़ा ही नहीं पाएंगे आपको लगेगा आपने पढ़ा दिया बट बच्चे ने कुछ भी रिसीव नहीं किया और जब तक बच्चे ने कुछ रिसीव नहीं किया द वर्क डन इज जीरो तो वो होना नहीं चाहिए सो so डेफिनेटली हमें बच्चे को अकेडमिक लेवल पर उसकी नीड के हिसाब से उसके करिकुलम को फ्रेम करना होगा और साथ ही साथ उसकी इमोशनल कोगनेटिव सोशल इन एबिलिटीज को अंडरस्टैंड करते हुए उसके पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करते हुए ही उसको टीच करना होगा इस तरीके से जो इंडिविजुअल डिफरेंस का इफेक्ट है वो रिड्यूस किया जा सकता है सो क्लियरली बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस केस तो ये देखिए हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे कुछ क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस किए हैं दे वर जस्ट अ सैंपल ड्यूरिंग द आर क्लास जिसमें मैं आपको समझा रही थी कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यू विल गेट अ सेपरेट पीडीएफ ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चन स्पेशली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेज और उसका लिंक आपको हमारे uh, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तो मिल ही जाएगा साथ ही साथ पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हम सीटेट के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट ऑल्सो और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा और लगा कि इट इज वर्थ गिविंग अ लाइक देन प्लीज डू वन लाइक फॉर मी ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो एंड आई बी सींग यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ योर सिलेबस टिल देन टेक केयर बाय बाय